गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष पटेल ज्ञानदानी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे भी होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, तो कल का क्लास अच्छा लगा आप लोगों को? चलिए ठीक है। फिलहाल कल वाला जो वीडियो आपका था उसमें क्वेश्चन को हम कुछ नॉर्मल टाइप के कराए थे, ठीक। अब थोड़ा हम क्वेश्चन को का लेवल थोड़ा सा उठाएंगे, है ना, यानी थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे। कल तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल दिया गया था। हमने ये देखा कि भाई जो लड़के अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट को पढ़ रहे हैं, थोड़ा उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा नॉर्मल रखा था। अब आज वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा सा टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे हम लेवल को उठाएंगे और लास्ट में सबसे हार्ड क्वेश्चन को हम करा देंगे आपका, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो डायरेक्शन टेस्ट आपका बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक। पांच ही टाइप के आपके यहाँ से टोटल आपके क्वेश्चन बनते हैं बस, ठीक। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन मिल गया सभी को, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है आपको। कह रहा है एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, पुनः वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है, अब वह किस दिशा में मुड़ेगा, ठीक। तो देखिएगा अभी तक जो आपके क्वेश्चन कराए गए थे वो नॉर्मल आपके जो प्रिंसिपल डायरेक्शन हैं उसके अकॉर्डिंग काम होता था। अब यहाँ पे जो लड़का चल रहा है वह अपने प्रिंसिपल डायरेक्शन के बजाय सब डायरेक्शन पे चलेगा, ठीक ना। तो देखते हैं सब डायरेक्शन का क्वेश्चन जो आपके सामने आता है उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का अपने घर से निकलकर, घर मान लीजिए उसका यहीं पे है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। अब ध्यान दीजिएगा उत्तर पश्चिम दिशा डायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे यहीं पे एक छोटा सा बना लेंगे अपने लिए डायरेक्शन, डायरेक्शन को कन्फर्म करने के लिए बना लेंगे। किस दिशा में चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, तो आपका ऊपर वाला भाग उत्तर होगा और बाएं वाला भाग क्या होगा, पश्चिम होगा। तो कितना चलता है यहाँ से, 30 मीटर चलता है, ठीक। तो मैंने इसको 30 मीटर टहला दिया, अब व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया। बात सभी को क्लियर हुआ इतना, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब देखिएगा व्यक्ति यहीं पर पहुँचा है, अब यहाँ फिर सब डायरेक्शन बनाएंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। अब ध्यान दीजिएगा इसको छोटा से ही बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, है ना। दक्षिण पश्चिम, तो देखिएगा ये आपका नीचे वाला पार्ट दक्षिण होगा और ये आपका क्या होगा, पश्चिम होगा। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। तो जितना ये चला था प्रारंभ में जितना चला था उतना बाद में भी चलेगा, कितना, 30 मीटर। इतना क्लियर है सभी को, ठीक। फिर आगे हम चलेंगे, फिर क्या कह रहा है, पुनः वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व की दिशा चलता है। अब फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे, दक्षिण पूर्व की दिशा कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। तो ये आपका पूर्व है और ये आपका क्या है, दक्षिण है। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, 30 मीटर। अब व्यक्ति यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन के साथ में हम डिस्टेंस भी नोट करते रहेंगे, कितना चला, 30 मीटर चला। बात समझ में आई। अब पूछा जा रहा है वह अब किस दिशा में मुड़ेगा, वह अब किस दिशा में मुड़ेगा कि वह अपने घर पे पहुंच जाए। तो अब बताइए घर कहाँ इसका, यही तो आप इसका घर है, बोलो। अब बताइएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को शो करेंगे। ये आपका डायरेक्शन नॉर्थ का होता है, ये आपका साउथ का होता है, और ये आपका ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है, ठीक। अब बताइए घर कहाँ पे है, इसी बीच में है ना, ठीक।
तो अब बताइए इसके बीच की डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ है और ईस्ट है, इसके बीच की डायरेक्शन जो क्या होगा वो नॉर्थ और ईस्ट, इसका मतलब क्या होगा उत्तर और पूरब। बात समझ में आई सभी को? यानी वो किस दिशा में मुड़ेगा, उत्तर पूरब की दिशा में मुड़ेगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे देखिएगा एक सीधा सा बना दिया है चतुर्भुज के रूप में, है ना, तो इसमें चतुर्भुज बनेगा ही। क्यों बनेगा? क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस को कवर किया है, पहले 30 गया फिर 30 गया फिर 30 गया, इस केस में यह हमेशा बराबर डिस्टेंस चला है तो हम बराबर ही डिस्टेंस चलाएंगे इसको, ठीक ना। इस वजह से देखिए एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, सीधे जो आपका डायरेक्शन मिला, अब पूछा है कि जो लास्ट में पहुंचा जिस बिंदु पर, वहां से उसका घर किस दिशा में पड़ेगा, तो देखिएगा दिशा आपको इसे से शो किया जाएगा। अब इसको शो करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब आंसर आपका क्या मिल गया, उत्तर और पूरब। बात समझ में आई सभी को? चलिए तो ये सब डायरेक्शन टाइप के क्वेश्चन थे। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को और बढ़ाएंगे आगे, अभी आपके दिशा संबंधी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आंसर आ गया सभी का, चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, ठीक मिला क्वेश्चन सभी को। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। पढ़ते रहो, क्वेश्चन को करते रहो। मान लीजिए कोई पॉइंट है 8 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण का मतलब किधर, नीचे की तरफ जाएगा ना, ठीक। तो 8 किलोमीटर दक्षिण हमने टाला दिया इसको, कितना 8 किलोमीटर। फिर कह रहा है और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम बताइए कौन सा होगा, यही होगा, कितना जाएगा 3 किलोमीटर जाएगा। हम इसको कवर कराते हैं सिर्फ इतना 3 किलोमीटर, अब व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब बताइए ये 8 किलोमीटर ये 5 ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं से इतने जाएगा ये, है ना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक उत्तर की तरफ गया। फिर आगे क्या कह रहा है, अंत में वह पूरब की दिशा की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। पूरब की दिशा कौन सा होगा, यही होगा ना, ठीक। ये व्यक्ति अब यहाँ पे पहुँच गया, कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर। बात समझ में आई, ठीक। अब पूछ रहा है कि रमेश शुरू हुए स्थान से किस दिशा में है। शुरू हुए स्थान मतलब आपका जो प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर है, यानी दिशा आपको बताना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए आपका ये टोटल कितना 8, ये कितना 3, ये कितना 5, ये कितना 3। बात समझ में आई इतना? अब बताइए ये और ये दूरी ऊपर और नीचे दोनों बराबर, ये 5 किलोमीटर तो यहाँ भी 5 किलोमीटर हम नोट कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस 8 था तो ये बचा कितना 3 किलोमीटर बचा। अगर दूरी पूछता तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तो आपका आंसर मिल जाता कितना 3 किलोमीटर, लेकिन पूछा क्या है आपसे कि किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है और बच्चा यहाँ पे है, ठीक। तो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, प्रारंभिक से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। बात सभी को आया? अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा लिखा गया है, आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, अब से हम ध्यान में रख करके बड़ा लिखेंगे, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन, हाँ। अब यहाँ से आपको निकालना होगा दूरी कि कितना दूरी वह कवर करेगा। बात समझ में आई, ठीक।
क्वेश्चन देखिएगा, पहले नॉर्मल क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप लोग भी स्क्रीन पर देखते रहिए। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपने बाईं यानी लेफ्ट हैंड में मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, बताइए कि अब वह इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन देखिए कैसे मिलेगा आपको। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, एक व्यक्ति है यहाँ से 30 मीटर जाता है किधर, दक्षिण की तरफ, मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति पहुँच गया। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, वहाँ से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। दाईं ओर का मतलब किधर मुड़ेगा, इधर इसका बायां होगा और यह इसका क्या होगा, दायां होगा। दाईं ओर मुड़ता और कितना जाता है, 30 मीटर, तो दाईं ओर लेकर चले जाओ, जितना ये डिस्टेंस गया था उतना ये भी जाएगा, यानी कितना, 30 मीटर। बात समझ में आई। अब व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अपने बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर वाला भाग इसका क्या होगा, दायां होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, बायां होगा। बाएं साइड में घूमा, कितना गया, 20 मीटर गया, कितना गया, 20 मीटर गया। बात क्लियर है सभी को। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वह पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 30 मीटर। अब बताइए जब व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा है इस बिंदु पर, ठीक, सॉल्यूशन को देखते रहिए। अब कह रहा है इधर से बाएं ओर घूमता है, बाएं ओर घूमने का मतलब इधर ही घूमेगा, कितना जाएगा, 30 मीटर जाएगा, कितना जाएगा, 30 मीटर जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। ठीक, अब देखिएगा ये डिस्टेंस कितना, 30, ये डिस्टेंस कितना, 30, तो ये कितना है, 20, तो ये कितना होगा भैया, 20 ही तो होगा, बोलो। अब प्रारंभिक बिंदु आपका मान लीजिए पॉइंट ए था और ये आपका पॉइंट डी है, अब एक सीधी रेखा बनी। अब बताइए ये बिंदु बीच में मान लीजिए सी है, ए से सी तक का कितना, 30 मीटर, सी से डी तक का कितना, 20 मीटर, दोनों को आपस में जोड़ दो, 30 + 20 कितना आ गया टोटल, 50 मीटर, आंसर 50 मीटर। ठीक ना, 50 मीटर। अगर आपसे पूछा होता कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, अगर दिशा भी पूछ लेता तो। बात क्लियर सभी को, समझ में आ गया क्यों, चलिए नोट कर लीजिए। फिर आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, है ना, और रीजनिंग में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हो भाई, है ना। ज्ञानदानी ट्रस्ट का नंबर सभी लोग के पास होगा, आप वहाँ इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ये टॉपिक छूटा हुआ है, ये समझ में नहीं आया, हमारे तक बात पहुँचाना है, तो आप किसी भी जरिए से आप या तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब भाई हो सकता है गलती आदमियों से ही होता है, ठीक ना, जो भी टॉपिक छूटा होगा कवर हमको करना, हम आराम से कवर कर दें उसके लिए, उसके लिए बिल्कुल दिमाग में ये मत रखिएगा कि हमको ये टॉपिक नहीं मिलने वाला है, है ना, मिलेगा, सब टॉपिक मिलेगा। क्या होता है रीजनिंग के कुछ पार्ट होते हैं कि इस चैप्टर से उस चैप्टर से मिलान करते हैं, तो सबका पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई एक साथ पढ़ा देता है, कोई अलग अलग करके पढ़ाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया सभी को, चलिए अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, अशोक उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। ठीक, क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिए हो ना, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहे हैं। क्या कह रहा है, अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, किधर चलता है, व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है, अशोक है, है ना, किधर चलना शुरू करता है, उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है,
एवं 40 मीटर चलने के बाद, यानी यह व्यक्ति उत्तर की तरफ कितना गया है, 40 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बायां इसका यही तो होगा, बाईं ओर मुड़ गया, कितना जाता है, 40 मीटर जाता है, तो बायां गया कितना, 40 मीटर। बात समझ में आई सभी को, 40 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या, दक्षिण दिशा में आएगा, कितना आएगा, 30 मीटर आएगा, कितना आएगा, 30 मीटर, है ना, 30 मीटर आया। फिर क्या कह रहा है, यदि वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना जाता है, 50 मीटर। अब बताइएगा बाईं ओर का इधर मतलब किधर, पूरब की दिशा में, कितना, 50। ये पहली बात 40 को ये कवर करेगा और 10 मीटर को आगे भी कवर करेगा। बोलो कोई दिक्कत है, इस डिस्टेंस को यहाँ से हटा करके हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं 10 मीटर को। बात समझ में आई सभी को, चलिए ठीक। अब 10 मीटर ये आगे निकल गया, क्योंकि टोटल कितना, 50, 40 ये, 10 मीटर ये। ठीक, अब बताइएगा ये 40, ये 40, ये 30, ये कितना, 30 होगा, बचा कितना, 10 मीटर इधर बच गया, तभी तो पूरा ये 40 कवर करेगा। अब पूछा क्या है आपसे, कि पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो व्यक्ति यहाँ पे है और प्रारंभिक बिंदु ये है। अब देखिएगा यहाँ से ऐसे डायरेक्शन बना लो। ठीक, अब इसको थोड़ा हम बाहर निकाल के देख लेते हैं। ठीक, देखिएगा ये आपका ऐसे तो बना। ठीक, ये कितना है, 10, ये कितना है, 10, यही दूरी आपसे पूछा है ना। अब बताइए ये कितना कोण, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो कहीं के ये समकोण हो गया, पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई, चलिए ये ए बी की बात करेंगे। अब ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी कितना है, 10 का स्क्वायर मतलब कितना, 100, और आगे भी देखिएगा ए सी का मतलब कितना, 10 स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया, 100, टोटल कितना हो गया, 200। लेकिन यहाँ पे हमें ए बी का मान चाहिए, स्क्वायर लगा है तो ए बी का मान चाहिए, के लिए स्क्वायर हटा दीजिए, इधर हो जाए क्या, कैड़ी। अब इसके अंदर में इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिखोगे 2 × 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, यानी 10√2 मीटर, 10√2 मीटर। बात समझ में आई, इतना डिस्टेंस पे होगा प्रारंभिक बिंदु से कितना रूट पे, 10√2 मीटर पे व्यक्ति होगा। बात समझ में आई सभी को, ठीक नोट कर लीजिए, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन है ना। चलिए नोट हो गया, अच्छी बात है, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अविनाश दक्षिण में 100 मीटर की ओर जाता है। ठीक ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, उम्मीद करते हैं सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे ना। ठीक, अब देखिएगा कह रहा अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, अब व्यक्ति यहाँ पे है, 100 मीटर दक्षिण की तरफ मतलब कहाँ, नीचे, 100 मीटर आ गया, यहीं पे डिस्टेंस लिख लो 100 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, 100 मीटर फिर वहाँ से 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 60 मीटर उत्तर की ओर। अब देखिएगा इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको दायां या बायां नहीं दिया है, जो उत्तर घुमाया है ये नहीं बताया कि बाएं जा रहा है कि दाएं जा रहा है। ठीक ना, तो क्या करते हैं, व्यक्ति जहाँ पे पहुँचा है वहीं से हम उत्तर दिशा दिखा देते हैं उसे,
और उत्तर दिशा में कितना जाता है 60 जाता है, पुनः इसी पे वापस चला गया, ये वापस लौट गया, कितना जाएगा ये 60। ये मान लीजिए व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया, 60 मीटर कवर कर लिया, इधर बचा कितना 40 मीटर, तभी तो पूरा 100 होगा। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर गया। अब व्यक्ति यहाँ पहुँचा था 30 मीटर पूरब की ओर, मतलब इधर जाएगा, ये हो गया आपका कितना 30 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक, अब बताइएगा प्रारंभिक बिंदु यही तो है, ये पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट ए से मान लीजिए पॉइंट सी है, और ये कोई पॉइंट मान लीजिए आपका डी है ना। ए सी का पूछा है और किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, आप बताइएगा, इसका थोड़ा हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 40 ये इतना है और ये कितना है 30 है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। बोलो कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का योग करोगे, उसके बाद वर्गमूल निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब देखिएगा हम बात करेंगे ए सी स्क्वायर की, ए सी स्क्वायर मतलब कितना सी डी का स्क्वायर, क्यों, और उसके बाद ए डी का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा सी डी का स्क्वायर मतलब कितना 30 का वर्ग और प्लस कितना 40 का वर्ग। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं 30 तिहाई 90, यानी कितना जाएगा 3 त्रिका 900, और ये कितना हो गया 40 का स्क्वायर 1600, 1600 और 900 कितना हो गया 2500। ठीक, ये किसका मान आ गया, ए सी स्क्वायर का मान आया, तो ए सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कड़ी लगा देंगे, तो ए सी का मान ये देखिए लास्ट का प्रथम दो डिजिट 25 है, इसका मतलब किसका होगा 5 का, और एक जीरो यहाँ से उतार के रख दो, कितना आ गया 50 मीटर। डायरेक्शन भी पूछा है, अब बताइए यहाँ से हम डायरेक्शन बना लेंगे, ये आपका पूरब है या आपका दक्षिण है, किस दिशा में है व्यक्ति, दक्षिण पूरब दिशा में, तो आपका आंसर जो बना 50 मीटर दक्षिण पूरब दिशा में, दक्षिण पूरब की दिशा में। बात समझ में आई सभी को, ठीक, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, जिन लोग का कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो लोग डायरेक्टली कर सकते हो, हम यहाँ आपको समझाने के लिए इतना बताएं, क्योंकि जो पहली बार वीडियो देख रहा है जिसको नहीं पता है ये उसके लिए है। ठीक, आप लोग फट से तुरंत आंसर बताइए, अगर जिसका बढ़िया कैलकुलेशन है तुरंत स्क्रीन पे उसको आंसर दिखाइए, है ना। चलिए नोट हो गया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, समझ में भी आ गया सभी को। चलिए मिटा दें, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर रहा है, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दाएं बाएं घुमा गया इसमें, है ना। चलिए देखते हैं जो भी होगा आंसर क्या आता है। चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, रवि किसी बिंदु एक्स से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, इसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, इसके बाद वह 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, इसके बाद वह 40 मीटर पूरब की ओर जाता है, इसके बाद वह अंत में 10 मीटर अपने बाएं मुड़कर चलता है और एक बिंदु वाई पर पहुँचता है, बताइए कि बिंदु एक्स और वाई कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। बात समझ में आई, अब ध्यान दीजिएगा जो लास्ट का सेंटेंस लिखा गया है, वाई एक्स से कितनी दूरी पर है, पूछा गया वाई एक्स से कितनी दूरी पर है, यानी सापेक्ष आपको निकालना है। बात समझ में आई, फिलहाल इस टाइप क्वेश्चन आगे तो मिलेगा ही, लेकिन आप ये सेंटेंस को ध्यान दीजिए, उल्टा भी पूछ लेगा, अगर ये पूछता कि एक्स वाई से किस दिशा में है ये दूसरा होगा, और उसके बाद अगर पूछ ले कि एक्स वाई से किस दिशा में होगा, दोनों अपोजिट हो जाएंगे, है ना, वाई एक्स से किस दिशा में होगा और एक्स वाई से किस दिशा में होगा, दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी, है ना।
तुरंत इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। रवि किसी बिंदु एक्स से, ठीक हम मान लेते हैं ये बिंदु आपका क्या है, एक्स है, कितना जाता है उत्तर की ओर 20 मीटर, फिर पश्चिम की ओर 40। उत्तर की ओर कितना 20 मीटर, फिर पश्चिम की ओर कितना 40, 40 मीटर कवर करता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद वह 20 मीटर उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब ऊपर जाएगा 20 मीटर, सीधा रखते हैं इसको, 20 मीटर उत्तर की ओर गया। फिर आगे क्या कह रहा है, इसके बाद वह 40 मीटर पूरब की ओर, फिर यहाँ से पूरब ये दिशा होगा 40 मीटर की तरह पूरब की ओर, जितना डिस्टेंस ये कवर किया था उतना ये भी कवर कर रहा है, कितना 40 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है पूरब की ओर, फिर वह अपने अंत में अपने दाएं ओर मुड़कर कितना चलता है 10 चलता है, तो यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो नीचे इधर तो आएगा 10, यानी ये दूरी 20 से थी, आधा कवर करेगा कितना 10 मीटर, और बिंदु कहाँ पे पहुँच गया वाई पे। ठीक, तो पूछा क्या है एक्स वाई से कितनी दूरी पर है, अब बताइए ये 20 मीटर है, ये ऊपर से 10 है, तो ये कितना होगा 10 होगा, कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये डिस्टेंस 40, ये डिस्टेंस 40 दोनों बराबर, ये कितना 20। ठीक, आगे 10 चल चुका है, बचा कितना 10। ठीक, तो x और y के बीच 20 ये हुआ, 10 और ये हुआ, यानी 20 प्लस 10 मीटर, यानी टोटल कितना 30 मीटर। अब पूछा है किस दिशा में है, किससे पूछा है, x से y किस दिशा में है, यानी x से y किस दिशा में है, यानी उत्तर दिशा में है, किस दिशा में है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में है ना, बात समझ में, यानी 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आई। चलिए क्लियर है ना सभी को, समझ में आ गया भाई सभी को, क्वेश्चन अच्छा था। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय पे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा है, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ठीक, मिल गया सभी को, ठीक अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। ठीक, कह रहा है एक मनुष्य किसी बिंदु विशेष से उत्तर पूर्व की दिशा में चलना आरंभ करता है, वहां से 500 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है, इस प्रकार चलने पर वह अंत में कहां पहुंचा होगा। ठीक ना, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य किसी बिंदु विशेष से उत्तर पूर्व की दिशा में चलना आरंभ करता है, ये आपका डायरेक्शन बनाते हैं उत्तर पूर्व की ओर, ये आपका पूर्व है और ये आपका उत्तर है ना, इसी के बीच में चलना आरंभ करता है, कितना चलता है 500 मीटर, कितना 500 मीटर। फिर आगे वाला क्या कह रहा है, फिर वहां से दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है 400 मीटर, कितना 400 मीटर, तो ये डिस्टेंस आ गया कितना 400 मीटर। ठीक, अब पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। ठीक, तो इस दिशा को पूरा मिला लो और इस डायरेक्शन को क्या करते हैं हम हटा देते हैं। ठीक, क्या दिखाई पड़ रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, बोलो समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक, अब देखिएगा कर्ण का मान दे रखा है, लंब का मान दे रखा है, आधार का मान आपसे पूछा है,
तो निकाल दीजिए आप लोग, कैसे निकलेगा देखिएगा। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दे रखा है, 500 का स्क्वायर, लंब का 400 का स्क्वायर। आधार आपको निकालना है, ठीक, आधार आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 के बाद कितना जीरो, 2 × 2 = 4 स्क्वायर है तो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 × 0, 4 × 4 = 16, 2 है इसका 2 गुना कर दो, 4 × 0 प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, ठीक। 1600 को इधर ले आओ, तो ये 25 है और ये 16 है, अंतर कितना आ गया, 9 का, 9 के बाद कितना जीरो, 4 × 0 बराबर कितना, आधार का स्क्वायर। बात समझ में आई, आधार का स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ पे आधार चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा, 2 × 0 के लिए 1 × 0, फिर इस 2 × 0 के लिए 1 × 0, और 9 का वर्गमूल कितना, 300, यानी 300 मीटर आया, ये कितना आ गया, 300 मीटर। और यही तो पूछा था आपसे कि किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह 300 मीटर की दूरी पर किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। बात समझ में आई, सभी को समझ में आया, यही होता भैया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, बिल्कुल निराश मत हो, ये पाइथागोरस प्रमेय सभी को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, क्यों, बात सही है। चलिए आगे शुरू किया जाए, अभी आपका टॉपिक यहीं पे हम इसको थोड़ा सा एंड करते हैं, ठीक। लगभग आपके मैंने जो बताया था दिशा और दूरी ज्ञात करना, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिया था, ठीक। आपको मैंने बताया था कि दिशा और दूरी दोनों टाइप का सॉल्व करा दिया, दिशा को मैंने अलग कराया, दूरी को अलग कराया, फिर दिशा और दूरी को दोनों को क्या कराया, मिक्स में कराया, है ना, बात समझ में आई। अब ये टॉपिक को यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक। इसका मतलब आपका एक टाइप यहाँ से ख़त्म हो गया, जो आपको मैंने टाइप बताया था कि प्रारंभिक बिंदु पता हो और अंतिम बिंदु ना पता हो, है ना। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि अंतिम बिंदु ज्ञात हो, अंतिम दिशा, अंतिम दिशा ज्ञात हो, ठीक, लेकिन प्रारंभिक दिशा क्या हो, लेकिन प्रारंभिक दिशा ज्ञात ना हो, ज्ञात ना हो। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको परेशानी क्रिएट करेगा, ठीक, कि आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात नहीं है, हमको अंतिम दिशा ज्ञात करा रहा है, तो आपको प्रारंभिक दिशा कैसे प्राप्त होगा, ये थोड़ा टफ पड़ता है ना, थोड़ा क्या, बहुत टफ पड़ता है, ठीक ना। तो इस टॉपिक को हम शुरू करें, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, एक काम करते हैं बेटा, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम क्लोज करते हैं, है ना, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे पास अभी कम है, और इस टॉपिक के कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, है ना। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को हम थोड़ा, इस टॉपिक को हम ब्रेक कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और इसको हम लास्ट में पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका विशेष रोल नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे भी नहीं जाते हैं एग्जाम में, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकन हो चुका है, जब से आपका ये CBT का एग्जाम शुरू हुआ है तब से इस टाइप को लगभग क्लोज कर दिया गया है, है ना। ऑफलाइन पेपर में यदा कदा पूछ लेता है, बाकी पूछता नहीं है अब इस टाइप को, लेकिन हम इसको कराएंगे, ठीक ना। चलिए इसको हम लास्ट डे में कराएंगे, जब टॉपिक का एंड हो जाएगा, किसका, डायरेक्शन टेस्ट का, फिर हम यहाँ से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा देंगे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी एक लेक्चर पूरा हम इसी पे दे देंगे आपको टाइम, ठीक है, आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक।
क्योंकि अभी बीच में छेड़खानी करेंगे इसके साथ में तो कुछ बच्चों को बोरिंग लगेगा ये, है ना, क्योंकि जब समझ नहीं पाओगे, थोड़ा पकड़ नहीं पाओगे, ठीक, तो उसको बोरिंग लगेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, लास्ट में रख देते हैं, है ना, आप ही लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपका जो टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक, वह टॉपिक शुरू होगा व्यक्तियों या वस्तुओं के सापेक्षिक स्थिति में संबंधित प्रश्न। सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना, सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना टॉपिक सभी लोग नोट कर लो, है ना, सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना, ठीक। मार्कर बढ़िया चल रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए, तो आपका ये जो टॉपिक है कि व्यक्तियों या वस्तुओं के सापेक्षिक स्थिति से संबंधित प्रश्न, तो सापेक्षिक स्थिति का मतलब क्या होता है, देखिएगा, इसमें इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कहा दिया जाए कि शहर ए शहर बी से इतनी दूरी पर है, ठीक, और इस दिशा में है, शहर सी शहर डी से इस दिशा में है और इतनी दूरी पर है, बात समझ में आई, तो इस टाइप के, या आपके कुछ चिन्ह के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कह दिया जाएगा कि ए प्लस बी का अर्थ इतना है, ए माइनस बी का अर्थ इतना है, इतने का अर्थ इतना है, ठीक, इस टाइप के मिलेंगे, या तो आपको कुछ चिन्ह के रूप में दिया जाएगा, जैसे आपका हैज हो गया, डॉलर हो गया, ठीक, या स्टार के रूप में आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना, बात समझ में आई, तो किसी भी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन उसका मतलब आपको ज़रूर बताएगा, ठीक। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ठीक है, टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नोट करिएगा, ठीक, क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, अभी पहले छोटा क्वेश्चन कराएंगे, फिर इससे बड़ा क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक। चलिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा गांव बी गांव ए के उत्तर में है, ठीक, फिर आगे कह रहा है गांव सी गांव बी के पूरब में है, फिर आगे क्या कह रहा है गांव डी गांव ए के बाईं ओर है, फिर आगे क्या कह रहा है गांव सी गांव डी के किस दिशा में स्थित है या किस ओर स्थित है, ठीक बेटा। अगर इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आए तो इसके पढ़ने का जो तरीका होता है, किताब वाला जो तरीका होता है, यानी जो आपको प्रश्न में दिया गया है, हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम अपने तरीके से पढ़ते हैं इसको। अपने तरीके से कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ेंगे बी को नहीं, पहले हम ए को पढ़ेंगे, ए के उत्तर में स्थित है कौन, बी, ए के उत्तर में, अब देखिएगा ए है, ए के उत्तर में स्थित है कौन, बी। जैसे आप लोग कौन लगाओगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, कौन है क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि गांव बी गांव ए के उत्तर में, बार बार सोचोगे उसमें, है ना, तो ऐसे पढ़ोगे इसको, गांव ए के उत्तर में कौन है, गांव बी है, फिर आगे क्या कह रहा है गांव सी गांव बी के पूरब में स्थित है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे बी के पूरब में कौन स्थित है, सी स्थित है, तो बी का पूरब क्या होगा, यही है, तो कौन स्थित है, सी स्थित है, बात समझ में आई। फिर अगला पढ़ेंगे, कह रहा है गांव डी गांव ए के बाईं ओर है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे ए के बाईं ओर कौन है, ए के बाईं ओर डी है, तो ए का बायां कौन होगा, इधर होगा, ए का बायां इधर होगा, कहां पे है, यहां पे, कौन सा गांव है, डी है, बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी डी के किस ओर स्थित है, अब इसको भी उल्टा पढ़ लो, डी के किस ओर स्थित है, सी डी के किस ओर स्थित है, तो डी के ऐसे यहीं पे बना लो, यानी डी से पूछ रहा है सी कहाँ है, यही तो है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया, इसी के बीचों में तो है, ठीक, तो इसके बीचों में कौन सा गांव है, सी, और डायरेक्शन कौन सा है, उत्तर है, ये आपका पूरब है, तो इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब,
उत्तर पूरब, यानी गांव सी कहाँ स्थित है? डी के उत्तर पूरब में स्थित है, डी के उत्तर पूरब में स्थित है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया भाई आप लोगों को। इसका मतलब आसान था क्यों? एक चीज़ लेकिन भाई आप लोग गलती करते हो, वीडियो को ज़रूर देखते हो, हम तो ये कहेंगे आप लोग लाइव क्लास में आइए, है ना। लाइव क्लास में लगभग 25 से 30 बच्चे बैठ रहे हैं, आप लोग भी बैठिए, शामिल होइए क्लास में। एक कंपटीशन बना रहता है, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ नोट करते हैं तुरंत आप लोग उसका रिप्लाई देते हो, बड़ा अच्छा लगता है हमको, है ना, कि हमें ये पता चलता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है। तो आप अपना रिजल्ट मेरे सामने रखते हो, मैं भी आपका भविष्य तय कर देता हूँ, वहीं पर लिख देता हूँ सफलता प्राप्त, है ना, लिख देते हैं सीधे सक्सेस, आप लोग सफल हो जाओगे। ठीक, तो क्लास में अगर आप लाइव रहेंगे, ठीक, और वीडियो को आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, पूरा देखा करिए, है ना, ये नहीं कि स्किप करके आगे भाग जाएं, ठीक, तो स्किप ना करना, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, मज़ा ज़रूर आएगा, है ना। थोड़ा क्या करें, मेरा टॉपिक थोड़ा सीरियस है, नहीं तो मैं मज़ा आपको दिलाता अच्छे से। फिलहाल ये भी आपको बहुत बढ़िया टॉपिक है, अभी टॉपिक जब आगे आएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। ठीक, चलिए ठीक है, तो समझ में आया बच्चों सभी को? हाँ, एक बात और, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, लाइक, जैसे जितने लोग लाइव रहते हैं उसको तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक ना। लाइक करने के बाद जो बच्चा आपके टच में हो, जो पढ़ना चाह रहा हो, है ना, उसके पास, या जो पढ़ रहा हो कंपटीशन में, कहीं भी आप पढ़ रहा हो, किसी भी कोचिंग से का बच्चा हो, ठीक है ना, उसके पास ज़रूर शेयर कराइए, और फिर देखिए वीडियो उसको अच्छा लगता कि नहीं अच्छा लगता है, वो अपने आप लाइक कर देगा, ठीक ना, क्योंकि रीजनिंग का ये जादू है, ठीक ना। हाँ, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि छह व्यक्तियों का घर ए बी सी डी ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं। पहला पॉइंट, डी के पूरब में 2 किलोमीटर दूरी पर एफ है। किसके पूरब में भैया? डी के पूरब में, तो डी के पूरब में कौन है? एफ है। कितने किलोमीटर पर? 2 किलोमीटर पर। क्लियर है? ऐसे पढ़ोगे तो आसानी से निकलता आएगा, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, एफ के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूरी पर कौन है? सी है। किसके दक्षिण में? एफ के दक्षिण में कौन है? सी है। तो एफ के दक्षिण में कौन है? सी है। कितनी दूरी पर? 4 किलोमीटर की दूरी पर। बात समझ में आ रही है? फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर दूरी पर ई है। तो डी के दक्षिण में, तो दक्षिण मतलब यही होगा इसके आधे दूरी पर होगा, ठीक, कौन है? डी के, एक मिनट, डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर ई है, तो ये आपका ई है। कितने मीटर पर? 2 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर दूरी पर ई है। फिर आगे क्या कह रहा है, सी के पश्चिम में, किसके? सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर ए है। सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? ए है। ये भी 2 है, तो ये भी कितना होगा? 2 किलोमीटर होगा, यानी बराबर डिस्टेंस पर कौन है यहाँ पे? ए है। बात समझ में आई? फिर आगे क्या कह रहा है, ई के पश्चिम 4 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? बी है। ई के पश्चिम कितनी दूरी पर? 4 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? 4 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? बी है। बात समझ में आई? तो कौन से 3 घर एक सीध में हैं? तो कौन से 3 घर एक सीध में हैं, बताइए। डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक, कौन से 3 घर एक सीध में हैं? मिला आपको, आया आंसर? नहीं आया,
अरे भैया बहुत सीधा है, ये कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, इसको मिला देते हैं, मिल गया। अब सीधे में देखो यही तो 3 घर हैं, और कहाँ, यहाँ तो 2 ही घर हैं, यहाँ 2 घर लेकिन सीध में नहीं है, तो 2 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण से घूम रहा है ना, तो सीध में कौन है ये? तो आपका आंसर क्या होगा? AED। ठीक, हो सकता है आपके आंसर में क्रम इसका चेंज किया हुआ हो, या EDA दिया हो, या DEA दिया हो, कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्रम से मतलब नहीं है, आपको आंसर मैच करा लेना है, ठीक ना? तो आपका यहाँ से कौन सा मिला? AED आंसर। ये 3ों घर आपके कैसे हैं? सीध में है ना? क्लियर हो गया सभी को? चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर कोई कमी हो या कोई टॉपिक छूटा हो, अभी तक तो मैंने कंप्लीट किया नहीं, इसके पहले वाले टॉपिक में जो भी कवर करना हो उसको आप लोग बता दीजिएगा, ठीक? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं इसको, है ना? जब तक चैनल आपका, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो जाए और साथ में आप लोग लाइव आ जाएं, एकदम लाइव, ठीक? लाइव की क्लास आपको और मज़ा आएगा, ठीक ना? वैसे भी लाइव क्लास हम 8 बजे देते रहते हैं, ठीक? तो आप लोगों के सहयोग से चैनल को एकदम विस्तारित करना है, ताकि पूरे भारत में ये चैनल विख्यात हो जाए, ठीक ना? उम्मीद करते हैं विख्यात होगा, क्योंकि हम लोग का मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, सरस्वती जी की कृपा से, ठीक है? चलिए ठीक है, तो आप लोग के लिए आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।